नमस्कार, मैं उस्मान अंसारी और आप देख रहे हैं यूपी लाइव 100 न्यूज। शुरुआत करते हैं इस वक्त की छोटी बड़ी खबरों से। समाधान दिवस के अवसर पर चंदौली के नंगोल ब्लॉक में सपाओं के जोरदार प्रदर्शन। आपको बता दें कि मंगलवार को समाधान दिवस के मौके पर सपा चंदौली के जिला अध्यक्ष सत्यनारायण राजभर, युवा नेता इंजीनियर प्रवीण कुमार सोनकर एवं अन्य सफाई नेताओं ने नगौड़ में वैध भ्रष्टाचार चरखट्टा थाना प्रभारी के खिलाफ जोरदार नारेबाजी की। मौके पर पुलिस प्रशासन के उग्र सफाई पर संभलने में पसीने छूट गए। जिला अध्यक्ष सत्यनारायण राजभर ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि नगौड़ क्षेत्र में भ्रष्टाचार बहुत बड़ा खेल चल रहा है। क्षेत्र में पशु की तस्करी की जा रही है, सड़क की हालत चर्च जांच के नाम पर ग्राम प्रधान उत्पीड़न किए जा रहे हैं। साथ ही समाजवादी युवा नेता इंजीनियर प्रवीण कुमार सोनकर ने बताया कि नगौड़ भ्रष्टाचार रूप में जड़ फैल चुके। यो हथरस की घटना को लेकर प्रशासन की कड़ी निंदा के साथ 13 सूत्र मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा। खास रिपोर्ट सुजीत कुमार, चंदौली। जी, क्या है मामला, क्यों प्रदर्शन कर रहे हैं? आज तहसील दिवस है और पूरा नगौड़ के गरीब, किसान, दलित, आदिवासी अपनी मांगों के समर्थन में यहाँ आए हुए हैं कि आज यहाँ जिलाधिकारी महोदय और एसटी महोदय आला अधिकारी हमारी बातचीत सुनेंगे। समाजवादी पार्टी ने अपना 13 सूत्री मांग पत्र जो नौगढ़ के लिए है, नौगढ़ के यहाँ के जो गरीब हैं उनके उत्पीड़न, चाहे पुलिस उत्पीड़न हो, जांच के नाम पर अवैध वसूली हो, तमाम सारे पशु तस्करी कराए जा रहे हैं, यहाँ से अवैध सारे काम कराए जा रहे हैं, जांच के नाम पर प्रधानों का उत्पीड़न हो रहा है, बहुत ऐसे मांग है। नौगढ़ के अस्पताल पर ज़्यादा जन दबाव, हम लोग चाहते हैं कि ये उच्चीकृत हो, स्वास्थ्य सुविधाएँ यहाँ बढ़ाई जाएँ। यहाँ के स्कूलों में डिग्री कॉलेज, इंटर कॉलेज टीचर नहीं है, इनका इंतजाम हो, सड़कें बहुत टूटी हुई हैं नवगढ़ की, ये सब किए जाएं। एक मांग पत्र हम लोग आज देने आए हैं और 15 दिन पर इस पर कार्रवाई नहीं होती तो आगे एक बड़ा प्रदर्शन घेराव होगा। नहीं सर, पुलिस प्रशासन के ऊपर आप नारेबाजी कर रहे थे, इसका कारण क्या था? चक्कर घट्टा एसओ ने कई ऐसे गरीब लोगों को गलत केसों में फंसाया है, अवैध वसूली की है, वहाँ पर तमाम सारे साक्ष्य हैं, उनकी जाँच करने के लिए हम लोग मांग कर रहे हैं कि उस जाँच किया जाए, उसको दंडित किया जाए। जी, सबसे पहले मैं बता दूं, मैं समाज सेवी इंजीनियर प्रवीण सोनकर चकिया विधानसभा के नवगढ़ तहसील के अंतर्गत जो यहाँ पे वनवासी लोग हैं उनके जमीन को जो 50-60 साल पहले से जो है किसी तरह से पहाड़ को उपजाऊ जमीन बनाकर या रहने योग्य बनाकर लोग निवास कर रहे हैं, उसको जो है प्रशासन और डीएफओ जो फॉरेस्ट विभाग है उनको जबरन जो है कब्जे को हटा रहा है और उनको तरह तरह से प्रताड़ित कर रहा है। और एक तो हमारा एजेंडा ये रहा, दूसरा जो यहाँ पे पुलिसिया प्रताड़ना है, जो पुलिस की गुंडई है वो चरम पर है, चाहे वो जिसके इशारे पर हो, इस पर हम टिप्पणी नहीं कर सकते, लेकिन एक इंसानियत होने के नाते मैं उनसे ये कहना चाहता हूँ कि जो आपकी ये व्यवहार है लोगों के प्रति, जनता के प्रति, वो बिल्कुल उचित नहीं है। आप मानवीय व्यवहार आप नहीं कर रहे हैं। हाँ, अगर कोई आपको शिकायत कर रहा है कि यहाँ पे पशु तस्करी हो रही है, यहाँ पे उत्पीड़न हो रहा है, यहाँ पे जमीन कब्जा की जा रही है, फॉरेस्ट विभाग द्वारा जो है लोगों को उत्पीड़ित किया जा रहा है, तो उसको दबाने के लिए, अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए आप जबरन उनको प्रताड़ित कर रहे हैं, जेल में डाल रहे हैं, जो बिल्कुल उचित नहीं है। हाथरस में और बलरामपुर में जिस प्रकार घटनाएं घटित हो रही हैं, इसको लेकर आप क्या कहते हैं? जी बिल्कुल, हमारा नजरिया स्पष्ट है। जो हाथरस और बलरामपुर की ताज़ा घटना घटित हुई है मनीषा वाल्मीकि के साथ, मैं उस घटना का, ऐसी जघन्य घटना का मैं कड़े शब्दों में निंदा करता हूँ कि एक ऐसे लड़की के साथ बलात्कार किया जाता है जो दलित परिवार से आती है। हम ये नहीं कहते, बहन बेटी किसी की भी हो सकती है, बलात्कार की जघन्य घटना, जो भी अपराधी हैं उनको सजा मिलनी चाहिए, समय अनुसार सजा मिलनी चाहिए, लेकिन हाथरस की प्रशासन एक उससे भी अमानवीय व्यवहार कर डाला, जो उसकी चिता को, उसकी लाश को जो है रात को 3 बजे जला दिया और वहाँ पे लोगों को ये बताया गया, गुमराह किया गया कि परिवार की मर्जी से जलाया गया है। ऐसी घटना का मैं कड़े शब्दों में निंदा करता हूँ और माननीय सरकार से मैं अनुरोध करता हूँ कि ऐसी घटनाओं को रोका जाए। आपके पास बहन बेटी हो सकती है, मेरे पास भी हो सकती है, किसी की बहन बेटियाँ सुरक्षित नहीं है, ऐसे हालात में हम कैसे रहेंगे? हम सरकार से पुरजोर मांग करते हैं कि जो भी इसमें दोषी पाया जाए, चाहे वो बलरामपुर की घटना हो, चाहे आजमगढ़ की घटना हो, चाहे वो हाथरस की घटना है, लोग तत्काल उनको फांसी दिया जाए और ऐसे घटनाओं को पुनः न हो, इसको तत्काल इस पर रोक लगाई जाए। नमस्कार, मैं उस्मान अंसारी और आप देख रहे हैं यूपी लाइव 100 न्यूज। शुरुआत करते हैं इस वक्त की छोटी बड़ी खबरों से।
कांग्रेसों ने किसान के मसीहा चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत जी की जयंती मनाएगी। खबर है उत्तर प्रदेश के जनपद बहराइच प्रयागपुर भारतीय किसान यूनियन के संस्थापक तथा किसान के मसीहा चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत जी की जयंती पर किसान कांग्रेस नेता प्रेम कुमार सिंह संजीवित के ग्राम पंचायत झालातरा में सरस हाट में वृक्षारोपण करके देश व समाज हरा भरा रखने का संकल्प लिया गया और अवसर पर महिला किसान के लाठियां देकर उन्हें भावुक निर्भीक यूनिटर रहना हेतु उत्सव किया गया। कार्यक्रम में जिला उपाध्यक्ष कांग्रेस कमेटी श्री विनय सिंह ने कहा कि जब जब धरती पर पाप अनाचार शोषण उत्पीड़न तथा दमन बढ़ा तब तक कोई न कोई महामानव अवतार हुआ है। इसी तरह किसान के मसीहा चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत जी का अवतार देश व समाज किसान के हित हुआ था। उन्होंने कहा कि जब तक दुखी किसान रहेगा पृथ्वी पर तूफान रहेगा। किसान नेता प्रेम कुमार सिंह ने कहा कि जयंती मनाने वटके साहब का सच्चाई समझी तब होगी जब हम चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत जी द्वारा चलाए गए मिशन को गांव गांव गली गली नगर नगर डगर डगर तक ले जाए किसानों व किसान पुत्र के लंबादी करने में सफल हो। इस मौके पर उपस्थित लोगों ने एक अश्वर से कहा कि जब तक सूरज चांद रहेगा बाबा टिकैत का नाम रहेगा। कार्यक्रम का संचालन गौतम मिश्रा ने किया। इस अवसर पर महिला किसान चंद्र किरण मिश्रा ननकन्ना अंजलि पूर्व प्रधान चंद्र प्रकाश शास्त्री चटाशंकर चौधरी राकेश सिंह लालजी गिरी देवी मिस्त्री सहित कई लोगों ने अपना अपना विचार व्यक्त किया और वहां पर उपस्थित रहे। खास रिपोर्ट अजमल शाह के साथ। क्या कारण है इसका? आज किसानों के मसीहा चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत जी का जन्मदिन है और हमारे किसानों के मसीहा किसानों के लिए उन्होंने बहुत कुछ काम किया। पूरे देश में किसानों को एक करके उन्होंने जैसे व्यापार मंडल है, रिक्शा यूनियन है, श्रमिक संगठन है और तमाम कर्मचारी यूनियन है, ऐसे हमारे यहाँ किसान यूनियन में मतलब पार्टी राजनीति से हट करके किसान सभी किसान पुत्र सभी किसान एकजुट हो पूरे देश में। ये महेंद्र सिंह टिकैत जी का सपना था कि किसान अपने अधिकार के लिए अपने हक और हकूक के लिए और अपने तरक्की विकास के लिए किसान इकट्ठा हो एक मंच पर आवे और किसानों के हित में बात हो और किसान के साथ जो अन्याय हो रहा है शोषण हो रहा है अत्याचार हो रहा है उसके लिए संघर्ष किया जाए। ये महेंद्र सिंह टिकैत जी का सपना था। उन्होंने काफ़ी हद तक किसानों को इकट्ठा किया पूरे देश में। कई बार सरकारें महेंद्र सिंह टिकैत जी से मतलब आंदोलन के सामने झुकी और किसानों के हित में फैसला किया करने के लिए मजबूर किया। हमारे प्रेम सिंह हैं ये किसान यूनियन के नेता हैं जिले के बहराइच के, ये हमारे बीच में आए हैं। ये हनीफ साहब हैं हमारे बीच में, ये मंजूर मिश्रा जी हमारे बीच में हैं, राकेश सिंह जी आए हैं, वो मिश्रा जी पाथर मिश्रा जी और आपका नाम लद्दू मिश्रा जी, ये सब लोग आए हैं, सब किसान हैं। और ये चंद्र प्रकाश पांडे जी हमारे जो है उप प्रधान रहे हैं झारतहार के और बहुत मतलब सुयोग किसान हैं और शुद्ध किसान हमारे विशुद्ध किसान हैं और प्रगतिशील किसान हैं। तो आज इन किसानों के बीच में हम लोग महेंद्र सिंह टिकैत जी का जन्मदिन मना रहे हैं और उनके जयंती पर पेड़ लगा करके और किसानों को जागरूक कर रहे हैं कि अपने हक अधिकार के लिए आ जाएं। बाकी प्रेम से बताएं। नमस्कार, मैं उस्मान अंसारी और आप देख रहे हैं यूपी लाइव 100 न्यूज। शुरुआत करते हैं इस वक्त की छोटी बड़ी खबरों से। पुलिस अधीक्षक सुल्तानपुर द्वारा असली पैदल गश्त कर जाम को खुलवाया गया। जाम की सूचना मिलने पर पुलिस अधीक्षक सुल्तानपुर द्वारा कोतवाली नगर में डाकखाना चौराहे पर असली पहुंचकर जाम खुलवाकर ट्रैफिक सुचारू रूप से चलाया गया। जाम खुलवाने के दौरान लोगों से बातचीत कर यातायात नियमों का पालन करने व मास्क लगाने के लिए बताया गया। मोहम्मद दानिश, क्राइम ब्यूरो, यूपी लाइव 100 न्यूज़, सुल्तानपुर।
नमस्कार, मैं उस्मान अंसारी और आप देख रहे हैं यूपी लाइव 100 न्यूज। शुरुआत करते हैं इस वक्त की छोटी बड़ी खबरों से। जनपद बहराइच प्रधान की वजह से पुल निर्माण में लाखों का किया गया घोटाला। ताजा मामला विकास खंड फकरपुर में प्रधान आनंद प्रकाश शुक्ला ग्राम पंचायत हेतपुर पंडितपुर पुल निर्माण हेतु राशि आवेदन हुआ, लेकिन जनप्रतिनिधियों प्रधान पुल का निर्माण करने में भी लापरवाह की ओर लाखों रुपए खपत करके प्रधान बैठ गया। पुल निर्माण कार्य भी पूरा नहीं कराया गया और गाँव के लोगों को भले शंकर मंदिर तक पहुँचाना मुश्किल पड़ जाता है। ऐसे प्रधानों पर कार्रवाई जरूर होना चाहिए। खास खबर राजीव कुमार सिंह के साथ। ब्लॉक कौन सा आपका? फकरपुर है। तो मतलब ये जो प्रधान जी जो ये बनवाए हैं पुल, जो पुल का निर्माण करवाए कितने दिन हो गए? पाँच महीना हो गए, लेकिन इसको मतलब कंप्लीट नहीं करवाया अभी तक। कंप्लीट नहीं करवाया, पानी भर के सब आदमी जा रहे, तीन गाँव रास्ता बंद। अच्छा, नरगुल्ला, बुद्धिपुरवा, गोविंदपुर, खबरतल्ला, पंडितपुरवा, सब गांव के रास्ता बंद है। अच्छा, लेकिन प्रधान मतलब आते नहीं, इसको सही नहीं करवाते हैं? नहीं, सही करवाते हैं, हमारी जरूरत नहीं है। अच्छा, क्या नाम है आपका? मेरा नाम विजय कुमार तिवारी है। अच्छा। हमारा इसी बगल में एक खेत हमारा है और इनके पुलिया बनवाने से हमको इसमें बहुत नुकसान उठाना पड़ता है। अच्छा। ये लोग जो आते हैं, पांच गांव की रास्ता है इस पे, और वो आ करके मेरा खेत में होकर के आते जाते हैं। अच्छा। पांच महीने से पुलिया बनी पड़ी हुई है और मिट्टी पैसा भी खारिज करवा लिए हैं और मिट्टी की पटाई और खड़ंजा नहीं लगवाए हैं। अच्छा। दूसरी बात, ये जो पुलिया बनी है इसको आप खोज करके देखिए, केवल पीला ईटा से पुलिया का निर्माण हुआ है। इस प्रकार के हमारे यहाँ जो घटना हो रहे हैं ये सब गलत संवैधानिक तरीके से बिल्कुल नहीं। तो आप लोगों को आने जाने में दिक्कत होती है तो प्रधान से आप लोगों ने कहा नहीं? प्रधान जी के जो चार पांच चिमचा थे उनसे मैंने बताया तो वो कह रहे हैं कि अभी बजट नहीं आया है और बजट इसका खारिज हो गया है। मैंने वीडियो से बात की तो वो बताया वीडियो बजट खारिज हो गया है इसका। अच्छा, देख लीजिए ये कितना नुकसान। क्या नाम है प्रधान जी का? आनंद प्रकाश शुक्ला। अच्छा। सेक्रेटरी है राकेश कुमार वर्मा। अच्छा। दूसरे दूसरे गांव में खड़ंजा लगता है उसमें कभी देखने नहीं आते प्रधान के माध्यम से, जो पीला ईटा हो या कुछ भी हो वो प्रधान लगवाते हैं। सचिव नमस्कार, मैं उस्मान अंसारी और आप देख रहे हैं यूपी लाइव 100 न्यूज। शुरुआत करते हैं इस वक्त की छोटी बड़ी खबरों से। उत्तर प्रदेश के जनपद श्रावस्ती के थाना मल्लीपुर के अंदर ग्राम सुखरातिपुरा में 11,000 वोल्टेज का तार नीचा काटा पड़ा हुआ था, जिसके चपेट में आने से मोहम्मद रफीक पुत्र मोहम्मद इदरीस की सुबह 9 बजे मृत्यु हो गई। करीबन शाम 4 बजे से उसको थाना मल्लीपुर पुलिस प्रशासन द्वारा पंचनामा कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। श्रावस्ती से भुजो अहमद की खास रिपोर्ट।